हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह लुंगा एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग वन विभाग धनबाद के साथ जा रहे हैं एक हिरण का रेस्क्यू करने। रात्रि का समय हम लोग जब वहां गांव में पहुंचे तो देखे कि एक पुराना जो कुआं है उसके अंदर एक हिरण पड़ा हुआ है। सामने से देखने पर पता चला वो जिंदा है और स्वस्थ है, बस उसे निकालना था। पर रात्रि होने के कारण हम लोग बेरंग लौट आए। डिसाइड किए कि नेक्स्ट डे जाकर रेस्क्यू करेंगे। नेक्स्ट डे सुहाना मौसम, साथ ही आप देख सकते हैं झारखंड का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसमें जैन मंदिर पारसनाथ काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक फीमेल डियर है और इस कुएं की गहराई लगभग 40 फीट है और इसके बाहर ये एक पेड़ है। अब हमें ये डिसाइड करना था कि जाली के थ्रू नीचे जाना है या फिर खुद को रस्सी में बांध कर। चारों ओर से अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद, गहराई देखने के बाद, अगल बगल का माहौल देखने के बाद, इस पेड़ के सहारे हम लोग सोचे कि सबसे पहले एक इंसान को उतारा जाए बांधकर रस्सी से। तो हम लोगों ने रस्सी नीचे डालकर टेस्ट किया और अच्छी तरह से जिन्हें उतरना था उन्हें तैयार किया। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरा भाई है और ये अभिषेक जी को तैयार किया जा रहा है उतरने से पहले अच्छी तरह से कपड़ों से बांधकर। ये देखिए अभिषेक जी को उतारा जा रहा है। इन्होंने साहस दिखाते हुए कहा कि मैं ये काम को अंजाम दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हम लोग जब लेके इनको नीचे उतारा गया, जिस तरह से वहाँ हिरन कूद फांद करने लगी, तो हम लोगों का पहला प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। कि सोचा हम लोगों ने कि उसे रस्सी से बांधकर इजीली ऊपर निकाल दिया जाएगा, जैसे कि बाकी गाय कुत्ते भैंस ये सब में किया जाता है, लेकिन ये तो जंगली जानवरों में पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब केज को लाया जाए, केज को अंदर डाला जाएगा। केज को डालना था, केज के अंदर इंसान बैठकर जाते, हिरण को अंदर भरते और लेके आते, ये प्लानिंग था। लेकिन केज लोहे का, पेड़ के सहारे रस्सी के सहारे इसको नीचे जाना था, इसीलिए बोरे के अंदर इंसान के वेट के बराबर मिट्टी भर के टेस्ट कर लिया गया कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगा या कोई रिस्क है। किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को करने से पहले सारे रिस्क फैक्टर को देखना ज़रूरी है। हम लोगों ने पहले एक डाली की मदद से जाली को उतारा, देखा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ रहा है, ये टूट सकता है। इसीलिए हम लोगों ने अब डिसाइड किया कि दो डाली के बीचों बीच रस्सी को फंसा कर खींचा जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। ये हमारे बीच में अभिषेक जी केज के अंदर जाते हुए और अब केज को धीरे धीरे करके कुएं के अंदर डाला जाएगा। आइए वीडियो में बने रहिए और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। और थोड़ा सा बोलो बोलो भाई, रंग वाले के इधर घुमाइए, जाओ जाओ धीरे 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 धीरे, जान बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हमारा एनजीओ हमेशा रेडी रहता है। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। आप अगर इस चैनल में न्यू हैं तो आप एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे 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 करके इस जाली को नीचे उतारा गया। अब जब नीचे उतारा गया तो हिरणी इस चीज़ को देखकर काफ़ी विचलित हुई और आप देखिएगा अभी वो किस तरह से चारों ओर दौड़ लगाना शुरू करती। देखिए ये कूदा फांदी चालू। इस कुएं की गहराई लगभग 40 फीट थी जिसमें इस जाली को डाला गया। बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुएं के अंदर जितने भी पत्ते और या फिर पानी अगर सड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे
जो हार्मफुल गैसेस है, जानलेवा गैसेस, वो रिलीज होता है। तो कुएं के अंदर जाना, इस तरह से जाना रिक्सी भी हो सकता है अगर कुआं ज़्यादा सकरा हो तो। कभी कभी अगल बगल के जो पत्थर है वो भी धस सकते हैं ऐसे पुराने कुएं में उतरने से पहले। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन करने से पहले अच्छे तरह से जरूर जांच कर लें। देखिए, ये आसानी से हम लोगों ने हिरन को अंदर डाल दिया, क्योंकि हिरन जब शांत हुआ तो गेट को खोल दिया गया, वो अंदर अपने से आया और अभिषेक जी बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब वो जाएगा अंदर। अंदर जाने पर गेट गिरा दिया गया, अब हिरन सुरक्षित से जाली के अंदर में है। अब धीरे धीरे करके हम लोग इसको उठा रहे हैं। एक चेतावनी और एक सावधानी का विषय यह है कि ऐसे पुराने कुएं काफी खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभी अगल बगल से मिट्टियां धस सकती है और लोगों का जान, अंदर जो रेस्क्यू करने के लिए गए हैं उनका जोखिम में पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड में कुछ दिन पहले ही इसी तरह का घटना हुआ, जिसमें एक पुराने कुएं में गोवंश गिरने से 5 लोग अंदर गए थे रेस्क्यू करने, वो दब के अंदर उनका देहांत हो गया। देखिए, ये जो हिरन है इसको जो हम लोगों ने बाहर निकाला है, ये बाहर निकल के इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि इनका हार्ट बहुत ही कमज़ोर होता है। ये काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए महसूस करते हैं इंसानों के बीच में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया जितना जल्दी हो सके इसको रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो अंदर अपने आप को हार्म करेगा। देखिए, हम लोग ये गेट खोल रहे हैं, कितना तेज़ी से ये प्यारा सा जंगली जानवर जो जंगल में रहता है, देखिए कूदता फांदता हुआ ये गया, पहले झाड़ी से टकराया, उसके बाद जिस रास्ते से ये आकर कुएं पे गिरा था उसी रास्ते के थ्रू ये दौड़ता कूदता फांदता हुआ आज़ादी मनाता हुआ निकल पड़ा अपने घर की ओर। आशा करते हैं ये अपना एक सुखी जीवन जिएगा। अब हम लोगों का दूसरा मकसद ये था कि जितना जल्दी हो सके अंदर अभिषेक जी हैं उनको निकाला जाए। अभी जो हिरन को लहराते बलखाते हुए जंगल की ओर जाते हुए देखा, हिंदी में इसे काकड़ कहते हैं या भौंकता हिरन कहते हैं। ये अंग्रेजी के फैमिली सर्विडाई से बिलोंग करते हैं। इसे बार्किंग डियर, रिप फेस डियर भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम मुंटेसस मुंटेजैक है। ये छोटे स्पीसीज के डियर हैं, हिरन हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, घास फल जड़ पत्ती खाने के अलावा पंछियों के अंडे भी खाते हैं, छोटे जानवरों को भी खाते हैं। इनके बहुत सारे सेंट के ग्लैंड होते हैं, सेंट मतलब जो सुगंध फैलाते हैं, ताकि अपना इलाका में ये सुगंध डाल डाल कर अपना इलाका को तय करते हैं। मेल और फीमेल को बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। मेल में सिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है सिर पे, फीमेल पे नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने सुरक्षित पहले हिरन को बाहर निकाला, फिर अभिषेक जी को बाहर निकाला, और इस जो पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग का काफ़ी सहायता रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने काफ़ी ज़्यादा हाथ बढ़ाया, सभी लोगों ने मिलकर मदद किया, तब जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ये हमारे बीच में वापस आ गए हैं सर जी। हाँ, कैसा लगा हिरन को इस तरह से रेस्क्यू करते हुए? नहीं, अच्छा लगा हमको। तो आप लोग ये प्रकृति बचा के छोड़ दीजिए, ये प्रकृति वातावरण में आप लोग अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। चलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे बताइए, कैसा लगा? जंगली जानवर रोके हैं, हाँ, जंगली जानवर को हम खाना नहीं चाहते। एकदम बहुत बढ़िया बात, जंगली जानवर को एकदम बचाइए, एकदम सही बात है। अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, इस तरह को जान बचा के छोड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गांव का बहुत अच्छा सोच है जिस कारण से आज हम लोग इस जंगली जानवर को बचा पाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।